केजीएफ वाली बहू। निर्मला जी के बेटे सुमित की शादी नव्या के साथ हो गई और निर्मला जी बहुत खुश थी क्योंकि बहुरानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नेचर भी अच्छा था। निर्मला जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन निर्मला जी की बहू में कुछ तो अनोखा था और वो ये था कि केजीएफ मूवी देखने के बाद केजीएफ मूवी के हीरो की बहुत बड़ी फैन बन गई थी और बस हर वक्त उसे ही कॉपी करने की कोशिश करती रहती। बस एक यही आदत की वजह से निर्मला जी को कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता, बाकी सब कुछ ठीक था। सुमित बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे बार बार केजीएफ के हीरो की तरह भेस बदल कर घूमती रहती है कॉलोनी में, सब देख देख कर हंसते हैं। क्या करूं मम्मी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो बहू की तरह रहा करो, लेकिन उसके सर पर तो केजीएफ का भूत सवार है, किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद नव्या अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम फिर से केजीएफ की एक्टर बन गई? मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरी फेवरेट मूवी है ये, जानती हैं, मैंने तो सारे डायलॉग्स भी रट कर रख लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाह करनी पड़ती है ना, तुम इस तरह घूमती हो सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो। मम्मी जी, डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए, वो अपुन के नहीं सामने वाले के दिल में होना चाहिए। अरे तुम फिर से केजीएफ के डायलॉग मारने लगी, अरे पता नहीं कब समझोगी। डोंट वरी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ, उसके बाद आपकी सारी टेंशन रफ चक्कर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद, नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों इस तरह केजीएफ का हीरो बनकर घूम रही हो, कभी तो मेरी बीवी बनकर रह लिया करो। छोड़ो ना सुमित। अच्छा बताओ, मुझे आवाज किस लिए दे रहे थे? क्या बताऊं यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ, ऐसा लगता है ऑफिस नहीं युद्ध पर जाता हूँ। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है, ला मैं तेरा सर दबा देती हूँ, दुखी मत हो, काम तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहता है, थक जाता हूँ मैं। जानता है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं ऑफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। सही कह रही है मम्मी जी, तुम अपने आप को ऑफिस में काम करने की वजह से योद्धा समझते हो, लेकिन जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। अरे ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है। जरूर सुना होगा, कीजिए फिल्म का डायलॉग भला किसने सुना नहीं होगा। हे भगवान, कोई मेरी बीवी के सर से केजीएफ का भूत उतार दे। कुछ दिनों के बाद, नव्या, सुमित तो ऑफिस चला गया, एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से केजीएफ फिल्म के हीरो की तरह गेटअप रख कर आ जाती है। अरे तुम फिर से ये बन गई। चलिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है, प्लीज 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 मम्मी जी। अच्छा ठीक है चलो। मार्केट में निर्मला जी को उनकी एक सहेली मिलती है। अरे निर्मला, ये तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो, लगता है फिल्म का हीरो निकलकर तुम्हारे साथ आ गया है। मेरी बहन, क्या बताऊं, ये फिल्म का हीरो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा होगा, बहुत दिनों से देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो, ये मेरी बहू है नव्या। हैं? लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल केजीएफ के एक्टर की तरह नजर आ रही है। हाँ वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है बहू, शहर में इस तरह घूम रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। आंटी जी, जो शहर में रहने आता है ना, वो उसके बारे में सीखता है, और जो राज करने आता है ना, वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ।
अरे ऐसा ही कुछ तो केजीएफ पिक्चर के हीरो ने भी बोला था ना अपनी फिल्म में। ये हुई ना बात, सही पहचाना आपने, केजीएफ फिल्म के हीरो का ही डायलॉग है ये। निर्मला जी और नव्या को मार्केट में शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है और शाम को घर लौटते वक्त एक सुनसान सड़क पर अचानक से एक चोर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चुपचाप अपना सारा रुपया माल पैसा मुझे दे दो। क्यों दे दे पैसे, तुमने दिए क्या सामान खरीदने के लिए? ओए चुप कर, और इस तरह बहु रुपया बनकर क्यों घूम रहा है? अरे घूम रहा नहीं, घूम रही है, बहू है ये मेरी। लेकिन देखने में तो तुम्हारा बेटा जैसा लगता है, वैसे कुछ भी कहो बेटा है बड़ा हैंडसम। अरे चुप कर, कहा ना बेटा नहीं बहू है मेरी, बहू है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कहता हूँ तुम्हारी बहू बहुत हैंडसम है। ओए मिस्टर चोर, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी बात है, एक मिनट रुको, ये देखो मेरे हाथ में गन है ना, गन, तुम दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। नव्या लपक कर वो गन चोर से छीन लेती है। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, और उनकी औकात, उनको चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। क्या बोले रे, ये लाइन तो मैंने कहीं सुना है। अरे सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्योंकि केजीएफ फिल्म तो सबने देखी है ना, मेरी बहू तो दिन में चार चार बार देखती है, उसी का डायलॉग है ये। अरे वाह आंटी जी, बहुत कमाल की है आपकी बहू, चलता फिरता केजीएफ का एक्टर ही लगती है। एक काम करो, अब तुम यहाँ से चलते फिरते बनो, वरना तुम्हारी ये जो नकली गन है ना, इसी से नकली गोली चला कर तुम्हारा नकली भेजा उड़ा दूंगी। चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुमित नव्या से कहता है, नव्या मेरे कुछ दोस्तों ने शहर के बाहर जो बड़ा सा गार्डन है ना, वहां पर गेट टुगेदर का प्लान बनाया है, तुम भी सही वक्त पर रेडी हो जाना, हम भी चलेंगे। रेडी होने में तो मैं माहिर हूँ, और आप तो जानती ही है ना मैं कैसे रेडी होती हूँ। नव्या प्लीज, इस बार मेरे बीवी की तरह बनकर तैयार हो जाना, केजीएफ का एक्टर फिर कभी बन लेना। नहीं सुमित, मैं तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ, मैं अपना असली हुनर तो दिखाऊंगी ना उन्हें, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं बल्कि एक बहुत फेमस फिल्म का स्टार है, स्टार। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मेरी कहाँ जलने वाली है। और फिर सुमित अपनी बीवी को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। यह है मेरी पत्नी नव्या। अरे मुझे तो लगा ये तुम्हारा कोई नया दोस्त है। हाँ मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि सुमित का नया दोस्त तो बड़ा हैंडसम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं इनका दोस्त नहीं बल्कि इनकी बीवी हूँ। अगर आप बीवी हैं तो बीवी की तरह क्यों नहीं रहती, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सुमित अपनी किसी कॉलेज की फ्रेंड को लेकर घूम रहा है। अब क्या बताऊँ यार, तुम लोग ही समझाने की कोशिश करो, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। अरे भाभी जी ये तो बहुत बुरी बात है, रियली वेरी बैड, हमारे दोस्त को तो बीवी के साथ रहने की फीलिंग ही नहीं आती होगी। इफ यू थिंक आई एम बैड, आई एम योर डैड। अरे भाभी जी क्या कमाल का डायलॉग मारा है, मजा आ गया। आप तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। हाँ लेकिन बस एक ही इंसान की एक्टिंग करती है मेरी बीवी, केजीएफ के हीरो की, और उसी की तरह रूप बदल बदल कर घूमती रहती है। यार सुमित तेरे तो मजे हैं, चलता फिरता सिनेमा हॉल तेरे संग चलता है। बेटा मेरे कितने मजे हैं और कितने नहीं ये तो मुझे ही मालूम है। ऐसा क्यों कह रहा है यार, सारा दिन डायलॉग सुनने को मिलते हैं, और बीवी एक हैंडसम दोस्त की तरह नजर आती है, और क्या चाहिए। क्या बताऊं भाई, कई बार रात को सोते वक्त जेब में नकली गन रख कर सोती है, और फिर झटके से मेरे सर पर गन तान के जीएफ के डायलॉग मारती है, उस वक्त मेरी क्या हालत होती होगी ये तो मैं ही समझ सकता हूँ ना। सुमित की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं।